गुजरा हुआ मेरा अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूर्व के चारों कार्यकालों से महत्वपूर्ण गुजरा। हमने राम मंदिर निर्माण में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हक बात बोली और जीत हासिल की, जिसके लिए हम अपने को खुश नसीब समझते हैं। आज जल्दी ही राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी ने और पाकिस्तान की आतंकी संगठनों ने मेरी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उनको पकड़ लिया। हमने वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के गवाह कट्टरपंथी मुल्ला कलवे जवाब के दबाव से मुक्त किया। उनके विरुद्ध वक्फ संपत्ति को खुदबुद करने के कारण कार्रवाई की, जिसकी वजह से आज वो अपने कुकर्मों से बचने के लिए हिंदूवादी संगठनों के दरवाजों पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, जिन्हें वो पहले गाली दिया करते थे। हमने पूरे प्रदेश में कब्रों को फ्री किया, जिसके लिए लाखों रुपए की वसूली की जाती थी। हमने सीबीआई जांच का सहयोग करने के लिए भारत सरकार को सूची भेजी, जिसमें विजय माल्या, मुल्ला कलबे जवाद, मोहसिन रजा जी, पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम मौजूद हैं और साक्ष भी मौजूद हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से नए बोर्ड के गठन तक के लिए वर्तमान बोर्ड को उसके कार्यकाल को बढ़ाए जाने की अपील की है, क्योंकि वक्फ के अधिकारों के अंतर्गत ना तो कोई प्रशासक कार्य कर सकता है और ना ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्य कर सकता है और ना ही राजमंत्री मोहसिन रजा जी कार्य कर सकते हैं। उनको वक्फ अधिनियम का अध्ययन ठीक से करना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड का गठन जल्दी नहीं हुआ या पूर्व बोर्ड को का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो वक्फ से संबंधित कार्य प्रभावित होंगे।